मुंबई के वर्ली इलाके में तेज रफ्तार BMW कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। कार को मिहिर शर्मा चला रहा था। पुलिस को शक है कि मिहिर घटना के समय नशे में था। आरोपी अभी फरार है। उसे ढूंढने के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। वहीं मिहिर के पिता राजेश और चालक राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर मेडिकल के लिए ले जाया गया है। आरोपी महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले में एक शिवसेना नेता राजेश शाह का बेटा है। राजेश और उनके चालक राजेंद्र सिंह बिजावत को पुलिस के साथ सहयोग न करने के लिए रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और आज उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया है। उनके खिलाफ गैर इदारतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाने और सबूत नष्ट करने समेत अन्य धाराओं के तहत भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को भी लागू किया गया है। आपको बता दें कि मामला क्या है। पुलिस ने बताया कि मिहिर शर्मा ने बीती रात जुहू के एक बार में शराब पी थी। घर जाते समय उसने चालक से उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने को कहा। कार वर्ली आई तो मिहिर ने जोर देकर कहा कि वाहन वो खुद चलाएगा। इसके बाद तेज रफ्तार कार ने कुछ देर बाद ही दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। दोपहिया वाहन पे कावेरी नकवा और उनके पति प्रदीप नकवा सवार थे, जो वर्ली के कोलावड़ी इलाके के निवासी हैं। दंपत्ति मछुआरा समुदाय से थे। सुबह जब वे दोपहिया वाहन से काम पर जा रहे थे, तभी BMW कार उनके वाहन से टकरा गई। इसके बाद दोनों ही हवा में उछल गए। कार का बोनट क्षतिग्रस्त हुआ। इसके बाद कार ने कावेरी को कुचल दिया। फिर आरोपी मौके से फरार हो गया और महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनके पति प्रदीप को मामूली चोटें आईं। अधिकारी ने बताया कि राजेश शाह और बिजावत को रविवार को वर्दी पुलिस ने कथित तौर पर दुर्घटना के बाद मिहिर को भगाने की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले पुलिस सूत्रों ने बताया था कि मिहिर ने अपने पिता को फोन किया और दुर्घटना के बारे में बताया। तब से ये उसका फोन बंद आ रहा है। पुलिस की चार टीमें मिहिर की तलाश कर रही हैं। पुलिस की जांच में सबूतों को मिटाने की कोशिश का भी खुलासा हुआ है। कार के शीशे पर एक पटरी का स्टिकर लगा हुआ था। पुलिस की जांच में सबूतों को मिटाने की कोशिश का खुलासा भी हुआ है। कार के शीशे पर एक पटरी का स्टिकर था, जिसे छिपाने के लिए खरोंच दिया गया। दुर्घटना के बाद कार की एक नंबर प्लेट भी हटा दी गई, लेकिन पुलिस ने वाहन को क्षेत्र के CCTV फुटेज से स्कैन कर लिया। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।